बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखते हैं सुनते हैं आपको इबली और शाजी का सलाम। तो आज हमारी रेसिपी का नाम है जी लबाबदार चिकन। तो ये कैसे बनती है बताते हैं आपको, ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे सामने जी 1 kg चिकन है और ये बहुत सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मदद से आज हम बनाने जा रहे हैं जी मुगलों की पसंदीदा डिश लबाबदार चिकन, जिसका नाम आपने बहुत सारे लोगों ने ही नहीं जानते। और आज हम आपको अपने किचन में क्रिएट करके दिखाते हैं लबाबदार ज़बरदस्त सा चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चिकन की जो हमारे पहला स्टेप है हमारी मैरिनेशन है, इसके लिए मैं इसमें 1/2 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी, 1 tablespoon के पास लाल मिर्च है वो डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon हल्दी है और 1 teaspoon ही कुटी हुई मिर्च है और 1 लीम का रस है जो मैं इसमें डाल दूंगी, 2 tablespoon मेरे पास दही है ये मैं डाल दूंगी और 2 tablespoon मेरे पास बेसन है जो मैं इसमें डाल दी। अब मैं इसको अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। ताकि ये मैंने अच्छी तरह से इसको मैंने मसाले को सारे को मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 2 tablespoon ऑयल डालूंगी, ये मैं इसमें 2 tablespoon ऑयल डालूंगी, उसको भी फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। एंड ये अभी हमारा मैरिनेट हो गया है, अब इसको मैं 1/2 घंटे के लिए रख रही हूँ। उसके बाद अब मैं तड़के का सामान निकालती हूँ, उसका तड़का लगाऊंगी। ये कढ़ाई मैंने ले ली है, मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 7 से 8 tablespoon मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। हाँ जी, अभी मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया, कड़ी पत्ता हमारा थोड़ा सा हो गया जैसे तड़का लगता है वैसे कड़ी पत्ता हमारा ये हो गया। अब इसमें मैं ये काली मिर्च और लौंग डाल दूंगी, अभी ये थोड़ा सा भून गया, फिर इसमें जीरा डालते हैं। अच्छा जी, मैंने काली मिर्च लौंग डाली थी उसमें आवाज़ें आ रही हैं, अब मैं इसमें दालचीनी डाल रही हूँ और साथ ही जीरा डाल दूंगी। ये मेरे पास 1 tablespoon जो है लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ा वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं जी मैं लहसुन और अदरक थोड़ा सा ये भून जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। मेरे पास ये 2 अदर मीडियम प्याज साइज के प्याज थे जिसको मैं 1/2 इसमें डाल दी, 1/2 मैं थोड़ा ग्रेवी में डालना, थोड़ा सॉटे करेंगे जी। नहीं, इसको लाइट ब्राउन शाम नहीं करना, तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है। और ये देखिए हमारे प्याज का जो कलर वो चेंज हो गया, मैं ब्राउन नहीं करना, बस इसको लाइट से करना था। अब मैं इसमें मेरे पास 2 अदर टमाटर है वो मैं डाल दी, बड़े थोड़ा सा भून देंगे। देखिए जी, टमाटरों के साथ हमारा प्याज थोड़ा सा भून रहा है। अब किस तेज प्याज में से मसाले डाल दूँ, ये 1 फिर मैं 2 tablespoon लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon में से हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 teaspoon में बस गर्म मसाला और सूखा धनिया पिसा हुआ नीम डाल रही हूँ। अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 1 tablespoon इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी। ये मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ ये डल गया, ये मेरे पास कसूरी मेथी है ये मैंने डाल दी है और ये मेरे पास थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया है जो इसको मैंने हाथ से मसाला वो डाल दिया, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि मसाला डालना थोड़ा सा मैंने ग्राइंड करना गल जाए। मैं 2 कप मैंने पानी डाल दिया, उसको डाल दूंगी। पाँच मिनट के बाद शाजी ने ढक्कन उठाया। अब इसमें हम डाल देंगे कि मेरे पास काजू है, कुछ ग्रेवी हमने काजू की नहीं बनानी इसलिए काजू इसमें कम डलते हैं। कि मेरे पास 4-5 अदर हरी मिर्च कटी हुई वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये केचप मेरे पास है, केचप है टमाटो का वो मैं इसमें डाल रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी, इसी बंद करके ग्राइंड कर लूँगी, अच्छी तरह पका के फिर थोड़ा सा मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। जी अभी ये हो गए हमें 5 मिनट और, अब इसको मैं फ्लेम ऑफ करूँगी
उसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि उसको ठंडा करके मैंने ग्राइंड करना। अभी जो हमारे पास जो हमने बनाया थी ग्रेवी सी बनाई थी उसको मसाले की उसको मैं लगी हूँ जग में डाल के ग्राइंड करने लगी हूँ। अब मेरा अगला स्टेप है, मैंने अब कढ़ाई ले ली है, अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाल दूंगी। मैं डाल दूँगी अब इसमें ये मेरे पास प्याज था मैंने रखा हुआ था बचा के वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं अभी थोड़ा सा जैसे पहले मैं इसको इसको ब्राउन नहीं करना, इसको भी लाइट सा हल्का सा कलर चेंज करना है। हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया, इसमें मेरे पास टमाटर का पेस्ट है, केचप वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च डालूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी। ये मेरे पास इलायची थी क्या था पाउडर बस किसी भी वो मैं इसमें डाल दी, 1/2 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला मैं इसमें डाल दी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगा। मेरे पास ये जयपुर की लकड़ी है जो मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी भी और बाकी मैं चिकन के काटा। ग्रेवी हमने ग्राइंड की है वो मैं इसमें डाल दी। अब इसमें चिकन डाल दूँगी, चिकन मैरिनेट हुआ था वो मैं इसमें डाल दी। अच्छी तरह से मिक्स कर ली अच्छी तरह। इसको मैं 10 से 15 मिनट में इसे इसमें पकाऊंगी। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, तो मैं इसे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए जी हमारा ये चिकन तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें जो मेरे पास जायफल जावित्री थी वो पर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी ये एंड में, ठीक है। और मेरे पास ये थोड़ी सी काली मिर्च है तो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। बस मलाई डाली थी, मलाई ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं। उसके बाद मेरी वैसे स्प्रिंग ऑनियन है जो मैं इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर दूँगी। बस ये देखें इसकी ग्रेवी इतनी थिकनेस रखनी इस ग्रेवी की, ये गार्निश के लिए हम इस पे स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर देंगे। और उम्मीद है आपके आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। यूनिक रेसिपी है, डिफ़िकल्ट रेसिपी है, थोड़ी लेबर मांगती है, तो उम्मीद है कि आप ये बना पाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। फिर मिलते हैं ज़बरदस्ती मुबास्टी सी अनोखी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इमली और शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।